माता की जय। चलो जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय। भाई कृष्ण अमर रहे, भाई कृष्ण अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे देश किसान अमर रहे। मेरा तो दे देना वरना वहीं रख जाना। भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, ओ, ओ मिश्रा मिश्रा, क्या यार ये तुम। एक्चुअली हमारे जहाज में INS रणबीर में, जो कि अभी मुंबई में है, वहाँ पर अचानक से लगभग शाम को 4:30 बजे करीब एक को धमाका हुआ। ठीक है, तो अभी तक इसके लिए अभी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी है, तो अभी कुछ हमें क्लियर नहीं है कि ये किस वजह से हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें हमने अपने 3 एकदम बहादुर सैनिकों को खो दिया, जिसमें से अभी हम उनके घर पर आए हैं, जिनका नाम है माशिफ कृष्ण कुमार। तो अभी उनके घर हम लोग जा रहे हैं, तो अभी इसका रीज़न क्या है वो नहीं पता लग पाए, बट हाँ उनको इंजरीज काफ़ी आ गई थी इस धमाके में। तो अभी देखते हैं, बाकी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो आएगी उसके हिसाब से अभी कहा जा सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने लोग घायल हुए सर? अभी इसमें लगभग 11 लोग घायल हुए हैं और सभी अभी खतरे से बाहर हैं।
इनका सम्मान राज के सम्मान के साथ किया जा रहा है। इनको हमने तिरंगे में लपेट के लेकर के आए हैं और इनको अभी गार्ड से सम्मानित किया जाएगा, नेवी के गार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इन्हें एकदम राज के सम्मान के साथ इनकी विदाई होगी अभी आज। नाम और पद बता दीजिए अपना। मैं हूँ लेफ्टिनेंट शिवम पांडे, INS रणबीर में हूँ, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। जतिन पीछे मत आइए, नहीं देखो जी तो चार दूर मत जाओ। यही रुक जाओ, बस आगे मत जाओ यार प्लीज। शास्त्री जी, अरे यार जतिन, थोड़ी आगे कर लेते हैं। काम खत्म ही करवा देना पहले। आप इधर जाओ, भारत माता की जय। चलो राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, ओ मिश्रा मिश्रा, क्या यार ये तुम, मैं MCPO कृष्ण कुमार का सबसे बड़ा बेटा हूं और मुझे गर्व है कि मेरे पापा एक देश के लिए शहीद हुए हैं और मैं उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं भी जरूर एक दिन उनका नाम रोशन करूंगा, मैं भी फौज ज्वाइन करूंगा। मैं फ़िलहाल अभी मैं MBA कर रहा हूं और मेरी प्लेसमेंट भी हुई है ICICI बैंक में, बट साइड बाय साइड मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ और जारी रखूँगा और मेरे पिता का सपना पूरा करके ही दम लूँगा। भावना है
हम कृष्ण कुमार जी की वीरगति के प्राप्त होने के अनुसार यहाँ राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया है और परिवार को भी सरकार की तरफ से मैं सांत्वना दी है और अन्य जो कार्य होंगे जो इससे जुड़े हैं वो सभी वक्त पूरे किए जाएंगे। गांव वालों ने अभी एक स्टेडियम का नामकरण या स्कूल के लिए कहा था, उस पर भी सहानुभूति होकर विचार किया जाएगा।